सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में आपके सामने हायर डीसी इन्वर्टर एसी मौजूद है, जिसमें जो है R32 रेफ्रिजरेंट जो है वो अब आ रही है और काफ़ी सारे इन्वर्टर एसी जो न्यू मॉडल आ रहे हैं उनमें R32 जो है रेफ्रिजरेंट चार्ज की जा रही है और सुना है कि ये काफ़ी डेंजरस भी होती है। यकीनन आपने भी ये सुना होगा और इसमें जो है आपको एक टिप्स देने वाला हूँ, जो कि जब भी आप न्यू एसी इंस्टॉल करें या ओल्ड एसी भी इंस्टॉल करें उसमें गैस कंप्रेसर में स्टोर है, तो अब हम चाह रहे हैं कि उसको मतलब जब वैक्यूम इमरजेंसी में हमारे पास मौजूद नहीं है, मतलब कि वैक्यूम पर अगर आपके पास मौजूद हो तो फिर तो आप वैक्यूम करें और फिर इसकी गैस को रिलीज़ कर दें। अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है तो फिर आपको ये काम लाजमी करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसमें जो है गैस के साथ जो है वो और भी एयर मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये मैंने लाइन गेज इसके साथ कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, जो कि इसके सक्शन लाइन के साथ है और गेज जो है मैंने ओपन की हुई है, अभी गेज का वॉल जो मैंने ओपन नहीं किया। यहाँ पर जो है हमारा डिस्चार्ज वाली लाइन जो है हमने इसको ओपन करनी है, दोनों एल की अभी ऑफ हैं, ठीक है, मतलब हमने मुकम्मल एसी इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं इसको ओपन करूँगा लाइन गेज लगाने के बाद और गेज को मैंने ओपन कर रखा है और इसमें से जो है एयर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें से जो है डिस्चार्ज को ओपन इसलिए कर रहा हूँ, डिस्चार्ज से जो है इंडोर यूनिट में जाएगी मुकम्मल गैस और वहाँ से घूम के सीधी जो है सक्शन से इस हमारी लाइन गेज से जो है बाहर हवा निकल जाएगी, जो एयर होगी वो यहाँ से जो है जितनी हो सकती है मैक्सिमम वो बाहर निकल जाएगी और निकलते ही थोड़ी देर बाद आप इसको ऑफ कर दें और यहाँ पर जो है आप प्रेशर इसमें थोड़ा सा दे दें, इसमें आप अपनी लाइन गेज वगैरह हर चीज़ टाइट रखें ताकि यहाँ से लीकेज ना हो। इससे एक तो आपका एसी जो है वैक्यूम वाला काम भी हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं इसमें प्रेशर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम आप इसको 170-180 प्रेशर दे सकते हैं, तो मैं इसको जो प्रेशर दे रहा हूँ वो मैक्सिमम 75 प्रेशर मैंने इसको दे दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा, ठीक है, ऑफ करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसकी ओपन किया, प्रेशर ऊपर आ गया, फिर वाल को ऑफ़ कर दिया। अभी गैस हमने यानी कि मुकम्मल रिलीज़ नहीं की। अब यहाँ पर जो है इंडोर यूनिट के आउटडोर यूनिट के जितने भी नट्स हैं हमने एसी इंस्टॉल किया है, इसकी हम लीकेज टेस्ट कर सकते हैं, जो इसमें प्रेशर आ चुका है तो अगर लीकेज होगी तो हमें वो भी पता चल जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी लीकेज भी टेस्ट कर सकते हैं। लीकेज अगर हम टेस्ट कर लेंगे बिल्कुल क्लियर होगा, 5-10 मिनट बाद हम प्रेशर देखेंगे, प्रेशर भी हमारा स्टैंड है जो हमने इस पर अभी दिया था, जो गैस का ही प्रेशर हमने इस पर रिलीज़ किया था। अगर ये चीज़ें ओके होगी तो फिर जो है इस पर ये फ़ायदा होगा कि आपको तो गैस भी आपकी लीकेज भी टेस्ट हो जाएगी और दूसरे नंबर पर आपको ये बड़ा फ़ायदा होगा कि इसमें जो है आपका जो इंडोर यूनिट है वो भी वैक्यूम हो जाएगा। ये इस तरह से आप जो है इसमें पर्श गैस को यानी कि रिलीज़ करवा के एयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है। अगर आपके पास वैक्यूम है तो फिर आपको प्रेशर नहीं देना, फिर आपको बस जस्ट लाइन गेज लगाकर इसको जो है आपको वैक्यूम पहले कर लेना है, वैक्यूम जैसे ही होगा तो फिर गैस को जस्ट रिलीज़ कर देना है। तो ये ट्रिक जो है काफ़ी यूज़फुल है, मैंने काफ़ी बार मतलब ऐसे ही इसको वैक्यूम किया है, तो इस तरह जो है आप इजीली इसको इस टिप्स का यूज़ करके इसको आप वैक्यूम का काम कर सकते हैं, ले सकते हैं इससे। और जब आप देखेंगे कि लीकेज भी टेस्ट होगी और प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है तो दोनों वाल को आप जस्ट ओपन कर देंगे और इसकी बाकी जो है काम वायर्स वगैरह लगाकर बाकी हर चीज़ कंप्लीट करके इस पर जो है आप इसी को ऑन कर लेंगे। तो इस तरह से R410 हो, R22 हो, R32 हो, आप इस तरह से इसको वैक्यूम भी कर सकते हैं और इसकी लीकेज भी टेस्ट कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।